this is the chapter number 15 and page number 138 today we are going to start south america geographical features so let's start location and expansion south america is situated in south of the north america south america is in the fourth longest continent in the world its area is 1 crore 75 lakh 40000 square kilometer its it lies between 12 degree north latitude to 55 degree south latitude and 35 degree west longitude to 81 degree west longitude this continent is 6640 kilometers from north to south and 5150 from west to east approximately let's see in the map this is south america in world map you can see south america is located in the south of north america you can see in this map which is given in the page number 139 the shape of the south america this is covered from the um, in the east atlantic ocean in the west pacific ocean in the north north atlantic ocean and in the south island in the west of continent lies Pacific Ocean, Atlantic Ocean in the east and Caribbean Sea in the north. In the Caribbean Sea in the north, on the southern end of the continent, Pacific and Atlantic Ocean Mingle, the northwest part of the continent were earlier joined with Panama of North America. पनामा कैनल बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पनामा ऑफ कोलम्बिया पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज इन द साउथ ऑफ इक्वेटर मीन्स इन सदर है आज हम चैप्टर फिफ्टीन साउथ अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के बारे दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे तो जो साउथ अमेरिका है नॉर्थ अमेरिका के साउथ में सिचुएटेड है आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका के साउथ में सिचुएटेड है आप पहले तो मैप को रीड कर लेंगे एटलस से और सबसे पहले तो पोजीशन देखेंगे कहाँ पर है शेप देखेंगे और ये देखेंगे कि ये जो पनामा कैनल है वो कहाँ पर है ये सारी चीजें आप मैप में रीडिंग करेंगे एटलस से इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डाउट क्लास तो जो नॉर्थ अमेरिका जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में सिचुएटेड है और साउथ अमेरिका जो है फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का और इसका एरिया जो है वो वन करोड़ सेवेंटी फाइव लैखी थाउजेंड किलोमीटर है जो इसकी लेटीट्यूड कंडीशन है ट्वेल्व डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड एंड फिफ्टी फाइव डिग्री साउथ लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लेटि थर्टी फाइव डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड एंड एट्टी वन डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है और यह जो कॉन्टिनेंट है यह सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ फैला हुआ है सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट अप्रोक्सीमेटली फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है जैसे कि अभी मैंने बताया एंड अटलांटिक ओशियन ईस्ट में है ये देख सकते हैं आप एंड कैरिबियन सी इन द नॉर्थ नॉर्थ में कैरिबियन सी है साउथ अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट था वो पहले पनामा देश से जुड़ा हुआ था और बाद में उसे पनामा कैनल बनाकर अलग कर दिया गया पनामा कैनल बनने से जो साउथ अमेरिका है उसका जो नॉर्थ पार्ट है वो कोलंबिया के जो उत, नॉर्थ हिस, हिस्सा है वहां से वेस्ट सी तक जाने में जब जलमार्ग का सहारा लेती थी तो हजारों किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था लेकिन पनामा कैनल बनने से बहुत सुविधा हो गई

लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो थे वो साउथ अम, अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका मेक्सिको वेस्ट इंडीज सिटी में आकर बस गए और इसलिए इस पूरे पार्ट को ही लैटिन अमेरिका कहते हैं नाउ सरफेस द साउथ अमेरिका इज डिवाइडेड इनटू फोर फिजिकल पार्ट्स एज पर इट सरफेस स्ट्रक्चर वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट वेस्टर्न माउंटेन रेंज सेंट्रल प्लेन्स एंड ईस्ट हाईलैंड्स western coastal belt the long narrow belt from north to south lies between the western part of the continent the coastal area of pacific ocean and the andes mountain range in the central part of this plain is atacama desert which is the most dry desert of the world the width of this coastal plain is not even everywhere